ऑल दो मुझे इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनानी नहीं थी लेकिन ये वीडियो में जो टॉपिक जो मैं पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ ना वो कुछ इतने इंस्पिरेशनल है कि जो आप लोग से शेयर करना तो बनता है मैं इसे बताऊँगा अर्निंग से रिलेटेड कि कैसे यंगर जनरेशन के लोग भी ना अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आप कहते तो विलिंगनेस ऑफ वर्क उनके अंदर बहुत ज़्यादा है जो मैंने अभी नोटिस किया है तो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ अपनी ही कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट अभी टू मंथ्स बैक मेरे पास एक आकृषक स्टूडेंट है जो कि सेकेंड ईयर का है उसने मुझे अप्रोच किया मतलब कि दो महीने पहले उसने मुझे इंस्टाग्राम मेरी दोनों इंस्टाग्राम आईडी पे उसने मेरे को मैसेज किया प्लस लिंकड पे प्लस उसने मेरे को मेल किया ठीक है और साथ ही साथ मेरी पर्सनल आईडी पे भी उसने जाकर मैसेज किया और हर जगह उसने एक ही बात लिखी और वो ये था कि सर मुझे आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया इंस्टाग्राम का भी और आपके जितने भी आपने यूट्यूब पे अपने रियल लाइफ वर्क जो शेयर किए हैं वो भी तो सर मुझे जो है वो आप लोग आपके साथ जो है वो काम करना है और सर मुझे भी प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे भी प्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा लगता है ठीक है तो मैंने कहा कि देखो अभी ऐस कुछ है नहीं मेरे पास कोई काम ठीक है कि मैं अभी तुम्हें कोई काम दे सकूं या अभी कोई मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कोई प्लान नहीं था मैं अभी अकेले कर रहा हूं ठीक है थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है बट कर रहा हूं बट उसने मेरे को अप्रोच किया उसने इतनी मतलब मेहनत दिखाई दिखाने के बाद फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा एक काम करो क्योंकि मेरा थोड़ा फर्ज बनता है तो मैंने उसको बोला एक काम करो अपना जो कुछ भी काम है वो मेरे को शेयर करो पोर्टफोलियो जो है वो शेयर करो मेरे को तो उसने मुझे शेयर किया शेयर करने पे मुझे पता चला क्या कि उसका काम तो बहुत अच्छा है अब जब काम अच्छा है उसका सही में उसने जो दो तीन काम कर रखे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर रखे थे अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो काम है वो भी उसने कर रखा था कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो भी उसने बहुत अच्छे से कर रखा था तो उसने को दिखाया मुझे पसंद आया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अगर तुम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तुम्हें काम करना है तो एक काम करो कि मेरे कुछ काम है उनको तुम्हें करना पड़ेगा रिसर्च से रिलेटेड ये सब चीज़ें वो करनी पड़ेंगी और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ठीक है अब ऑल तो मुझे मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है मतलब मुझे मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा लगता है तो मुझे उसका पसंद आया ठीक है अब मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे को जज करो कि मेरा अच्छा है कि नहीं है मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे मेरा काम पसंद है तो मुझे उसका काम पसंद आया तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है तुम ये काम कर सकते हो और डेली बेस पे करना होगा और मैं इसका तुम्हें कुछ अमाउंट दे दूंगा तो उसने कहा कि नहीं सर मुझे अमाउंट की ज़रूरत नहीं है तो मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मैं दूंगा ठीक है देखो होता क्या है कि जब भी आप किसी कोई आपके लिए कोई मेहनत कर रहा हो या आप किसी के लिए मेहनत कर रहे हो ना तो वहाँ पर एक रिवॉर्ड देना ज़रूरी होता है ठीक है एक बोल के रिवॉर्ड करना वो भी एक बेटर है और एक फाइनेंशियली रिवॉर्ड करना वो भी एक अच्छा एक वे होता है एक अच्छा अप्रोच करने का तरीका होता है ग्रीड करने का किसी को ठीक है अब उसने मुझे अप्रोच किया है इतनी मेहनत की है ठीक है उसके लिए उसके बाद वो रोज़ डेली बेसिस पे मेरे लिए मेहनत करेगा ठीक है अब फुल टाइम नहीं कर रहा है लेकिन मेहनत तो कर रहा है अब कर रहा है तो मुझे उसको रिवॉर्ड करना चाहिए तो मैंने उसको ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ देने का जो है वो कहा कि भाई मैं तुम्हें पर मंथ फाइव थाउजेंड दूंगा ठीक है और अगर आप मैं उसका स्क्रीन शॉट भी देख सकते हो मैं इसका स्क्रीन शॉट लगा दूंगा जब उसने फर्स्ट सैलरी ली थी ठीक है कि देखो क्योंकि मेरा जो मानना है ना वो ये मानना है कि जब भी कोई काम करना चाहे ना तो उसको काम के साथ साथ रिवॉर्ड करोगे ना तो उसके अंदर ना काम करने की और इच्छा जागेगी मुझे और काम करना है और काम करना है मुझे और ज्यादा करना है ठीक है और उसका काम करने से ना प्यार होगा कि मुझे और ज्यादा काम करना है तो वो काम करना चाहेगा अंदर से एक तो पहले से भी करना था और करना है अब दस दिन पहले की एक स्टोरी सुना दूँ देर इज़ वन गर्ल जिसने कि मुझे अप्रोच किया था नाटा से रिलेटेड उसको नाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने थे. ठीक है कि नाटा में क्या है ये है मैंने अभी एग्जाम दिया है मैं अभी रिजल्ट का वेट कर रही हूँ ये सारी चीज़ें और प्रिपेयर कर रही हूँ सेकेंड जो अटैम्प्ट करना है नाटा का उसके लिए भी preparation कर रही हूँ वो सारी चीज़ें बात हुई थी उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर जब मैंने उसको अपना आंसर दे दिया जो भी था उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऑलमोस्ट एक हफ़्ते के बाद उसने मेरे को फिर अप्रोच किया और कहा कि सर मुझे आपके जो इंस्टाग्राम का जो मतलब पोर्टफोलियो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मतलब इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसमें मेरे को उस, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा काम अच्छा लगा तो आ, शी सेड कि मुझे सर आ, अंदर से क्यूरियासिटी जग रही कि मैं आपके लिए काम करूँ मैं इस टाइप के काम करती हूँ अपना इंस्टाग्राम पेज खुद भी चलाती हूँ ठीक है मतलब खुद के काम के लिए ऐसा नहीं है फॉलोवर्स के लिए या कुछ भी नहीं उसको पसंद है अपने इंस्टाग्राम पेज पे वो सब चीज़ें पोस्ट करना तो वो काम करती है तो सर मुझे आपके लिए काम करना है मुझे ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ पता हैं मैं आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज को रेगुलरली अपडेट करती रहूंगी वो सारी चीज़ें तो मैंने कहा कि ठीक है यार क्योंकि मेरे पास भी क्या था कि मैं रोज रोज इंस्टाग्राम की स्टोरी नहीं डाल रहा था ठीक है तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अगर है तो एक काम करो कि मुझे अपना काम सेंड करो ठीक है कुछ भी काम जो है वो सेंड करो तो उसने मेरे को अपना इंस्टाग्राम की आई शेयर की मुझे उसका काम टू वी वेरी ऑनेस्ट अगेन अच्छा लगा तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है लेकिन एक काम करते हैं मैं तुम्हें एक छोटा सा टोकन अमाउंट दूंगा ठीक है तो शी सेड कि नहीं सर मुझे पैसे के लिए नहीं चाहिए मुझे आपका काम अच्छा लगा तो मुझे आपके पेज के लिए करना है मैंने कहा जो तुम काम मेरे पेज के लिए कर रही हो वो अपने पेज के लिए भी कर सकती हो फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे सब कुछ हो जाएगा ठीक है पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी तुम्हारी तो शी सेड कि नहीं सर मुझे आपके लिए करना है मैं अपने लिए तो करी हुई हूँ आपके लिए भी करना चाहती हूँ तो मैंने कहा चलो ठीक है अगर इतना ही फोर्स किया जा रहा है तो चलो ठीक है इसको भी काम देते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम की जो अगर आज कल अगर आप लोग स्टोरीज़ देख रहे होगे तो वही ही जनरली मुझे पाँच से छः जो है वो स्टोरीज़ देती है नहीं तो मैं जनरली दो ही रोज के बेसिस पे दो लगाता था या तो फिर जनरली लगाता भी नहीं था स्टोरीज जो है ठीक है लेकिन वो अभी आजकल मेरे को सेंड कर देती है तो मेरा थोड़ा काम हो गया अच्छा मैं उसको बहुत कम अमाउंट देता हूँ टू बी वेरी ऑनस्ट कम देता हूँ तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी मैं आप लोग को ये बताना चाहता था देखो अभी एक सेकंड ईयर में है ठीक है और एक अभी नाटक एग्जाम दे रही है उसने मतलब ये लोग अभी अर्न कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं फ्रेशर जो कि अभी काम ढूंढ रहे हैं काम मिल नहीं रहा है या कुछ चीज़ें हैं देखो कहने का मतलब है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तब आप ग्रैब नहीं करते और जब नहीं होती है तब आप सर्च करते हो मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी अप्रोच किया है अपने खुद के जूनियर्स खुद के कॉलेज के जूनियर्स को भी अप्रोच किया है कि तुम्हारे पास ये काम है तुम्हारी ये अर्निंग हो जाएगी बारह हज़ार मिल जाएगा पंद्रह हज़ार मिल जाएगा बीस हज़ार दे दूंगा एक मॉडल बनाना है ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बहुत बार अप्रोच किया है हर बार स्टूडेंट्स का जो मतलब रीजंस होते हैं एक्सक्यूजेज़ होते हैं वो ये अभी सबमिशन है सर अभी नहीं कर पाएंगे इसके बाद पक्का ठीक है या अभी एग्ज़ाम चल रहा है बस सर एग्ज़ाम देते ही मैं फ्री हो जाऊँगा उसके बाद पक्का ठीक है मतलब हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेज देखो अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट नहीं करेगी ठीक है वो आपके सबमिशन है उसके लिए वेट नहीं करेगी अब होता क्या है अभी अपॉर्चुनिटी है तो अभी आप रो रहे हो सबमिशन देने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और आपके हाथ में डिग्री होगी तब आप अपॉर्चुनिटी के लिए रो रहे होगे कहने का मतलब है एक्सक्यूजेस देने वाले इंसान और रोने वाले इंसान हर केस में रोते हैं उनके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है वो तब भी रोते हैं जब नहीं आती है तब वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए रोते हैं ठीक है तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं बहुत सारे अगेन ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो कि मुझे अप्रोच करते हैं कि सर मुझे आपके साथ काम करना है मेरे घर के अंदर बहुत इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या टू तो बी वेरी ऑनेस्ट कोई किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर आपके दुख दर्द को दे काम नहीं देने वाला है ठीक है आप मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाले हो वो बताओगे तो माई डी पॉसिबल मैं दे दूं अगर मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है देने की तो बट अगर आप ऐसे अप्रोच कर रहे हो रोग आके मैंने हर अपनी एक मोटिवेशनल स्टोरी में या अपनी वीडियो में बताया है आप लोगों को कि कोई किसी के सामने रोले किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आता ठीक है आप कल को मर भी जाओगे ना तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला किसी को दो दिन के लिए वो वायरल हो जाएगी वीडियो वो हो सकता है सोसाइडल नोट का एक वायरल हो जाएगा वो हो सकता है मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता टू भी वेरीओनेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट की कोई शक्ल नहीं है ठीक है कि वो आपके दुख दर्द को देख के काम देगी आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए या तो आप ज़रूरत से पहले काम कर रहे हो तो आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए या अब अगर आपको काम करना है तो आपको वो काम ढूंढना पड़ेगा टू बी वेरी ओरनेस ढूंढना पड़ेगा ठीक है अब मैं आपको मेरे कुछ काम दिखाता हूँ ये हार्ड डिस्क है ठीक है अब मेरे को नहीं पता कि हार्ड डिस्क मेरे पास कुछ के पहले के भी कुछ डाटास पड़े हुए हैं ठीक है तो एक एक रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ एक रियल इंसिडेंट मेरे खुद के ठीक है कि मैंने कैसे अर्निंग की थी वो आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आ, मैंने भी मेरे कॉलेज टाइम पे जो अर्निंग की थी वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रात रात भर जग के सबमिशन कर रहे हैं और वहीं ऐसा था कि मैं दोनों चीज़ें हैंडल कर रहा था ठीक है तो आई होप कि आप लोग को इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा काफ़ी ज़्यादा एक एक कहते हैं ना कि अंदर से काम करने की विलिंगनेस जो है वो जगेगी है ना क्यूरियोसिटी जगेगी मुझे काम करना चाहिए क्योंकि जनरली स्टूडेंट बस एक्सक्यूज देते हैं हमारे पास काम नहीं है हम सर्च कर रहे हैं हमें मिल नहीं रहा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा देखो काम आपको उतर के मांगना पड़ेगा काम मांगना है ना उतरना पड़ेगा रोड पर लिटरली उतर के काम मांगना पड़ेगा अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने कंफर्ट जोन में चाहो कि मेरी शक्ल नहीं दिखे और YouTube पे मैं फेमस हो जाऊं चाहोगे कि मैं किसी से ऐसे हाथ नहीं फैलाऊं लेकिन मुझे काम मिल जाए दस हज़ार का या बीस हज़ार या चालीस हज़ार का नहीं होता आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा निकलोगे तो ही काम मिलेगा ठीक है मैं आपको यहां पर खुद गए इससे बेटर क्या एग्जाम्पल दूं खुद की चीजें दिखा रहा हूं ठीक है कि ये कुछ कंसेप्ट देखो मैं आपको किसी भी लोगों का ना फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिखाने वाला ठीक है कंसेप्शन प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ मेरी मेहनत दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे कितनी मेहनत की थी तब जाके मुझे जो है वो पेमेंट मिलती थी काम मिलता था और मैंने वो चीज़ की है ठीक है हल्दो मैंने सारे पैसे हमेशा उड़ाए हैं खाने पीने में वो मेरा वो मेरा पर्सनल वो है ठीक है सोचने का तरीका है तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने ही क्लाइंट्स को जो है ऑप्शन दिए हैं एक था एक, एक मतलब मेरे पास क्लाइंट आया था खम्भम गुरु करके अच्छा मुझे नहीं पता था कि कभी मेरा क्लाइंट बनेगा मैं तो बस ऐसे नॉर्मली किसी से मिलना है तो अच्छे से मिलो वो सारी चीज़ें थी ठीक है तो जब मैं बैंगलौर में था तब मुझे ये क्लाइंट मिला था और ये आई थिंक मुझे नहीं पता कहाँ शायद ये मैंगलोर से बिलोंग करते थे ठीक है तो आप ये देख सकते हो उनको खम्भम गुरु उनका एक प्रोडक्ट था खम्भम गुरु ठीक है तो उनको उसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ चाहिए था अब उस टाइम पे मैं भी स्टूडेंट था ऑल मैं आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है मैं इससे ज़्यादा बेटर वर्क कर सकता हूँ बट उस टाइम पे था तो मैंने ऑप्शन दिखाने की कोशिश की जैसे कि ये के है ये जी है खम्मम गुरु हो गया ठीक है या आप ऐसे लिख सकते हो कि ये के है ये जी है, है इस टाइप से ये कोई भी फाइनल नहीं है कंसेप्ट कंसेप्ट है ठीक है क्योंकि पहले हम कंसेप्ट दिखाएंगे बाद में हम फाइनल करते हैं उस काम को ठीक है नहीं तो कहीं पेमेंट नहीं मिले क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि पेमेंट जो है बहुत बार लोग नहीं देते थे लेकिन हाँ मैं मैं निकलवा लेता था वो एक चलो एक अलग मैटर है ठीक है फिर एक और था अगर आप देख सकते हो यहाँ पर लोकल इन्फोर्स करके अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं मतलब बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं इसके तो ये आप देख सकते हो लोकल इन्फोर्स करके ठीक है अगर आपको इसके अब रियल लाइफ प्रैक्टिकल भी जानना है आपका होगी नहीं ये तो मैंने ऐसे बना के रख भी दिया होगा ठीक है तो कुछ रियल लाइफ की भी बात कर लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऑप्शन छोड़ें किसी के लिए जो भी व्यूअर हैं जो इसको देख रहे हैं ठीक है अब सर्च कर लेते हैं खम्मम गुरु या लोकल इन्फोर्स को ठीक है अब जिन जिन जिनकी है मेरे पास ऑप्शंस में उनके दिखा रहा हूँ और ये क्लाइंट है जो मेरे को जानते थे देखो यहाँ पर लोगो लगा हुआ है इस वेबसाइट पर लोगो लगा हुआ है वो ठीक है जो मैंने डिज़ाइन किया था जो इन्होंने मेरे को उसकी पेमेंट दी थी ठीक है और ये मैं आपको सिर्फ वही काम दिखा रहा हूँ जिनसे मैंने परमिशन ले रखी है या जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ अच्छे लेवल पे तो वो ऐसा कोई इशू नहीं करेंगे क्योंकि जनरली क्लाइंट्स के काम शेयर नहीं किए जाते पब्लिक डोमेन पे ठीक है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है ये एक मैं आपको रियल ऑथेंटिसिटी दिखा रहा हूँ ठीक है कि ऑथेंटिक बातें बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ इस वीडियो में ये मेरे सारे कॉलेज के काम है ठीक उसके बाद एक आप लोगों देख सकते हो ये अब ये तो मेरे खुद के ही चलो कज़न का है तो इसका मैं नहीं बोलूँगा ठीक है कज़न का है ये आप देख सकते हो एनी मैजिक्स ठीक बट द थिंग इज़ कहने का मतलब है कि काम हमेशा करते रहो तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम पे चलते हैं ठीक है आप लोगों को दिखाता हूँ ऑल कहते हैं ना कि लोगों को वैल्यूज़ नहीं होती तो ये वो चीज़ है मैंने जो आ, मतलब ये लोगो बनाया था तो अक्सर लोगों को वैल्यूज़ नहीं होती जब कोई काम फ्री में मिलता है तो दिस इज़ दन एग्ज़ाम्पल जो काम फ्री में मिला था क्योंकि रिलेटिव में आते हैं तो इसलिए दे देखो आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है अब आई डोंट नो मैं किसी के पर्सनल अंदर झाक के नहीं देख रहा कि उसको वैल्यूज़ हैं कि नहीं है बट आई एम जस्ट सेइंग मैं आपको बस ये कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ ठीक है ये ये भी मेरे कॉलेज का ही टाइम का है ये मेरे खुद का मतलब कज़न भाई था जिसने मेरे को अप्रोच किया था ठीक है उसके बाद चलो आते हैं दूसरी तरफ ये तो हो गया खमम स्टार्टअप ये एक लो हो गया चलो ठीक है उसके बाद आते हैं आ, मेरे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी उसमें आते हैं पढ़ाई टाइम्स ठीक है थर्ड ईयर का काम देखते हैं थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा वर्क इसमें देखते हैं लोगों ठीक है ये भी है अब ये आप देख सकते हो ये एक लोगो है मास डायमंड ज्वेलरी करके ठीक है इसके और भी ऑप्शंस मैंने बनाए थे बट आ, उनको यही पसंद आया था इसको फिर फाइनलाइज बाद में किया था तो ये भी एक है ऑप्शन जो है ये सब चीज़ें मैंने कॉलेज के टाइम पर अर्न की थी कॉलेज के टाइम पर एक आर्किटेक्ट के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है पता है आप लोग को सबसे बेस्ट पार्ट जो लोग बोलते हैं ना कि आर्किटेक्चर एक खराब फील्ड है आप लोग सिर्फ एक ही तरीके से किसी भी चीज़ को एक ही तरीके से देखते हो पढ़ाई करनी है जॉब करना है पढ़ाई करनी है जॉब करना है ठीक है पढ़ाई करनी है और किस में जॉब करना है बिल्डिंग बनाने में जॉब करना है देखो वो कोर फील्ड है आर्किटेक्चर में बिल्डिंग बनाना बिल्डिंग डिजाइन करना इज़ अ कोर फील्ड बट आर्किटेक्चर करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपको फोटोशॉप आ जाता है सॉफ्टवेयर स्किल्स आ गया आपको कलर सेंस आ जाता है ठीक है ये चीज़ याद रखना कलर सेंस आ जाता है आप लोग कलर कॉम्बिनेशन के जो सेंस चाहिए होते हैं वो आ जाता है प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाती है कैसे प्रेजेंट करना होता है तो लोगों किस चीज़ का पार्ट है प्रेजेंटेशन स्किल्स कलर कॉम्बिनेशन ठीक है उसके बाद और क्या चाहिए होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते जो लोग का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया वो क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे हैं या कुछ हैं जो आगे और काम करना चाह रहे हैं तो ये क्या है ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक तरफ से मत सोचो एज ए स्टूडेंट भी अगर आप काम करना चाहते हो तो मैंने ये आपको सिर्फ वो काम दिखाया जो मैं दिखा सकता हूँ आप लोग को कुछ अब तो ऐसे भी काम थे जो फाइवर से मतलब मैंने काम किया था एक दो काम ही किया था लोगों से रिलेटेड ठीक है लेकिन मेरे सिर्फ कहने का जो मेन मोटिव है ना वो ये है देखो एक्सक्यूजेज देने वालों की कमी नहीं है वो हजार एक्सक्यूज देंगे अभी हमारे पास टाइम नहीं है काम नहीं है लैपटॉप नहीं है पैसा नहीं है ये नहीं है वो नहीं है ठीक है और काम करने वालों की भी कमी नहीं है देखो लोग खुद से सर्च कर कर के लोगों के पास जाते हैं काम करने के लिए ये भी है कुछ होते हैं जो सिर्फ गूगल पर टाइप कर देते हैं जॉब नियर मी वो भी लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि गूगल ही उनको बस एक ही टाइप एक ही सर्च आइटम से ही उनको बता दे कि बस आपको जो है जॉब यहाँ मिल रही है मतलब एक ही बार कोशिश करेंगे उसके बाद कोशिश भी नहीं करते ठीक है काम करने के लिए हमेशा आपको ऑन आप ग्राउंड अपने कम्फर्ट जोन से नीचे उतरना पड़ेगा काम करना पड़ेगा अब आपको आपसे भी यंगर जनरेशन के इंस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया एक नाटक एग्जाम दे रही है वो है ठीक है और एक जो है जो दो मंथ पहले सेकंड ईयर में काम सेकंड ईयर का स्टूडेंट है वो काम कर रहा है अब मैं आपको इनकी ग्रोथ बता देता हूं जो नाटा से रिलेटेड काम कर रही है वो अब दूसरा अकाउंट भी हैंडल कर रही है जो कि अगेन एक यूट्यूबर का है ठीक है उसने मेरे को अभी रियल एक अपडेट दिया तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो एक वीडियो इस पर बनाते हैं ठीक है अब क्या है उसको काम मिलता चला जाएगा क्योंकि अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जग रही है कि मुझे और काम करना है सेम गोज विद डेड बॉय ऑल्सो जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट है उसके साथ भी सेम यही है कि वो आज की डेट में चार लोगों का काम करता है और एक इंटर्नशिप कर रहा है अभी वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप कर रहा है और चार लोगों का एक्स्ट्रा काम कर रहा है ये क्या है और हर कोई अब वो जो बंदा है ना उसको आज की डेट में सबसे कम पैसे मैं दे रहा हूँ टू भी है सबसे कम पैसे मैं दे रहा हूँ बट वो मेरे साथ खुद ही जुड़ा हुआ है पता है क्यों सिर्फ उसका इतना कहना है कि सर द थिंग इज़ कि आपने वो कॉन्फिडेंट बिल करवाया है आपने मेरे काम की इंपॉर्टेंस को समझा तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ता क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को ठीक है सेकंड थिंग इज़ कि आपकी वैसे कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है मेरा ठीक है आपकी वैसे मुझे मेरी खुद की इंपॉर्टेंस समझ में आई है तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं ताकि आगे ऐसे ही इंसरेशन मेरे अंदर बनी रहे मोटिवेशन स्किल्स जो है वो हमेशा बढ़ती चली जाए ठीक है तो देखो गाइस कहने का मतलब है अगर आपको काम करना है ना रीजन्स करना छोड़ो ठीक है रीजन करना छोड़ो अभी आपने पढ़ाई नहीं की अभी आपके यहाँ पर डिग्री नहीं है अभी आपके हाथ में ये नहीं है वो नहीं है काम ढूंढोगे काम मिलेगा काम देने वालों की अभी भी कमी नहीं है और काम लेने वालों की भी कमी नहीं है सही आदमी तक पहुँचने की कमी है सिर्फ वो सही आदमी तक पहुंचना आप लोगों को आना चाहिए और उसको भी विलिंगनेस ऑफ वर्क दिखाना है ये नहीं दिखाना है मेरे घर में पैसा नहीं है तो मुझे काम दे दो मैं डिग्री कर चुका हूं अब मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं आपके अंडर काम कर सकता हूं तो मुझे काम दे दो अरे डिग्री के भरोसे थोड़ी काम दे दूंगा आप एक बड़े यूनिवर्सिटी से आए हो तो मुझे काम दे दो अरे उसके भरोसे कोई कैसे काम दे देगा कोई नहीं देगा ठीक है या तो आप विलिंगनेस ऑफ वर्क दिखाओ नहीं दिखा सकते तो राइट क्लाइंट तक पहुंचो मतलब राइट अप्रोच करो तो आप पहुंचोगे ठीक है या खुद का स्टार्टअप करना है तो कर सकते हो अब मैंने तो मेरा सोच रखा है मेरे को स्टार्टअप करना है पर वो बहुत अभी लेट है कम से कम समझो कि टू में स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग में ठीक है और मैं कभी किस्मत पे कोई चीज़ नहीं छोड़ता मेरे को पता है मैं करूँगा मैं इसको अभी स्टार्ट करने वाला था बट द थिंग इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन सीनारी और वर्स्ट होती जा रही हैं तो वो वो चलो एक अलग पार्ट है उसको कभी और डिस्कस करेंगे बट आई होप सो आप लोग को इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्परेशन मिला होगा इससे ज़्यादा आपको कोई अब रियल लाइफ एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता एटलीस्ट सो ठीक है सो गाइज बेस्ट ऑफ लक काम करो सर्च करो मिलेगा काम मैं गारंटी दे रहा हूँ काम मिलेगा सर्च करने की कोशिश करो ढूंढो बहाने छोड़ दो अब बस जाते जाते एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगा और वो ये है कि अब प्लीज़ एक्सक्यूज़ देने वाले लोग फिर से ये एक्सक्यूज़ मत देना कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम मिलता है या डिजिटल मार्केटिंग में काम मिल रहा है पर आर्किटेक्चर में नहीं मिल रहा है अगेन मैं बता दूँ कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी आर्किटेक्चर फील्ड में अभी कोर मतलब अभी उन्होंने पढ़ाई नहीं की है कोर पढ़ाई जिसे कहते हैं ना कोर सर्विस वाली पढ़ाई अभी नहीं की है तो इन्होंने ये वाला रास्ता चुना है ठीक है लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं बहुत सारे अपने ऐसे भी कलीग्स को और फ्रेंड्स को देखा है जो कि ड्राफ्टिंग करके और थ्री मॉडलिंग करके भी पैसे अर्न करते हैं ठीक है अपने सीनियर्स के काम उठाना उनके बर्डन को लेना उनसे भी वो लोग अर्न लो करते थे ठीक है मुझे आज भी याद है मेरे भी यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ना आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के शीट को बनाने के लिए क्योंकि उनकी मैकेनिकल ड्राइंग बनानी होती है ठीक है मशीन की ड्राइंग बनाना मशीन के पार्ट्स की ड्राइंग बनाना उनके लिए वो फिफ्टी रुपीज़ या हंड्रेड रुपीज चार्ज करते थे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स उनका क्योंकि हमें ड्राफ्टिंग स्किल्स आती थी ठीक है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जनरली पसंद नहीं होता ड्राफ्टिंग की वो ड्राफ्टर लेके बैठे और वो ड्राफ्टिंग करने बैठे तो उनके लिए पचास सौ रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है और हम ऐसे अगर दस लोगों को सर्विस दे देते दे हैं तो हमारे लिए हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती ठीक है आप छोटे से स्टार्ट करते हो बट करते हो तो आई होप सो बस गाइज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं जितना मोटिवेट कर सकता था उतना मैंने कर दिया है बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नया एक्सक्यूज अब निकालना है या कोई काम करना है ठीक है थैंक यू